हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बात करने वाला हूँ क्या माल्टा में डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं होता, रेसिज़म, इस चीज़ की बातें यहाँ होती हैं कि नहीं होती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम kamalgowan2009। दोस्तों जो ये चीज़ें हैं, डिस्क्रिमिनेशन होगी, रेसिज़म हो गया, ये चीज़ें आपको पता है, ये कॉमन चीज़ है, ये एक नॉर्मल जो लाइफ होती है उसका एक हिस्सा है। ये आप कहीं भी चले जाओ, आप जितने मर्जी डेवलप कंट्री में चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस करना ही पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है ये। और यहाँ पर भी तीन चार जगहों पे हमने नोटिस किया है कि जो बाइक राइडर्स हैं उनसे मेरी बहुत सारी बात हुई, लेकिन कोई आगे आता नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो उन्होंने फेस किया इस चीज़ को कि हाँ हमारे साथ हुआ है। और यहाँ पे एक बिरगू नाम का सिटी है, सिटी मतलब प्लेस है, आपको पता ही है छोटा सा कंट्री है, तो उसके अनुसार जो प्लेसेस होते हैं उनको सिटी का नाम दिया हुआ है। तो वहाँ पे एक एरिया है बिरगू, वहाँ पे बस स्टॉप पे लिखा हुआ था इंडियन गो बैक, तो लव इन माल्टा में भी वो आया हुआ था, तो सोचा कि इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों जो ये चीज़ें होती हैं ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया से आए हैं, ठीक है, अब आपको इंडिया में ही इस चीज़ को सामना करना पड़ता है। आपको पता होगा बिहार के लोग जब गए थे, कर्नाटक में गए थे, तमिलनाडु में गए थे, वहाँ के लोकल लोग कह रहे थे कि आप इधर आए हो तो आपको यहाँ की भाषा बोलनी पड़ेगी। आपको पता होगा उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, कई जगह में तो मारपीट हुई थी। तो जब अपने ही देश में जब इस चीज़ को फॉलो, इस चीज़ को जब लोग फेस करते हैं तो हम क्या ही बात करें। बाहर आके आप क्या सोचते हो कि हमें बराबर का दर्जा मिलेगा, हमें साथ में बिठाएंगे, हमको बराबर का देंगे सब कुछ हिसाब किताब, ऐसा भी नहीं है। कुछ होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं और अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, अच्छे भी बहुत हैं और बुरे भी हैं। तो क्योंकि एक बार क्या हुआ था, डिलीवरी के लिए बंदा जा रहा था तो उसके ऊपर अंडे बरसाए गए थे, ठीक है, अंडे फेंके गए थे, जैसे कोई स्ट्रीट से जा रहा होगा, वो मारसा नाम का एक एरिया है यहाँ पे, तो उसके ऊपर अंडे फेंके गए थे। तो उसने फिर लव इन माल्टा में उसने फिर बताया अपना, और जो उसकी जो बाइक थी उस पर अंडे के निशान थे, उसने फ़ोटो खींच के भेजी। तो लव इन माल्टा में जो उसने जो है उन्होंने जब पोस्ट किया तो उस पर जो कमेंट्स थे वो शॉकिंग कमेंट्स थे। वो उसमें कुछ कमेंट तो ऐसे थे कि बच्चों को सिखाया नहीं गया है पेरेंट्स ने कि कैसे बिहेव करना है, कैसे अच्छे इंसान बनना है, और कुछ के तो कमेंट ऐसे थे कि यू इंडियंस गो बैक योर कंट्री, कि हमें नहीं चाहिए आपके काम, हम इस काम के लिए, डिलीवरी काम के लिए माल्टा के लोग काम करेंगे, हमें नहीं चाहिए आप लोग, ज़्यादा हो गए हो आप लोग। बात भी सही है कि यहाँ पे माल्टा में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फॉरनर वर्कर्स हैं वो इंडियंस ही हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, अलग अलग कंट्रीज, पहले अब फिलिपिनो भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं दोस्तों, पहले नहीं थे जब मैं आया था, उस समय मुझे फ्यू दिखने को मिलते थे, लेकिन अब ये भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो यही है कि इनकी जॉब्स जा रही हैं, ठीक है, पहले भी ये सही ढंग से काम तो करते नहीं थे, लेकिन जब करते थे तो इनको जॉब में कभी छुट्टी चले गए। अब क्या होता है कि दोस्त जो हार्ड वर्किंग है ना, सिर्फ साउथ एशियन के लोग ही हार्ड वर्क कर सकते हैं, ऐसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यही चार कंट्री के लोग हैं यहाँ के हार्ड वर्क कर सकते हैं। अब ये इतना लॉन्ग टाइम तक हार्ड वर्क नहीं करते, अगर आप सोचोगे ना लंबे टाइम तक 12-12, 13-13 घंटे डिलीवरी कर लेंगे, ये नहीं कर सकते ये। तो जिस वजह से फिर जो लोकल लोग भी हैं काम के लिए हमें प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बंदे कमाने के लिए आए हैं, सिर्फ इनका मोटो कमाना है, हार्ड वर्क करेंगे, जिस वजह से हमें वो रखते हैं काम में। और डिलीवरी के काम के लिए बोला था कि सिर्फ माल्टा के लोग ही डिलीवरी करेंगे, हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे कमेंट आए हुए थे। अब पहले जब मैं आया था उस समय बहुत सारे लोकल लोग ही होते थे काम में, लेकिन अब ज़्यादातर हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि हमें काम चाहिए। और पता ही है आपको, जो बंदा 20-30 हज़ार भी कमा रहा होगा इंडिया में तो उसका कुछ होता नहीं इस सैलरी से, फैमिली बना, फैमिली है उसकी, बच्चों को एजुकेशन देनी है, तो उस पैसे से कुछ होता नहीं है, तो सेविंग तो होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो हम लोग इधर रुक करते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ें फेस करनी नहीं पड़ती हैं, बहुत रेयर चांस होता है। और मेरा एक दोस्त है, वो टैक्सी में आया था, लेकिन जुलाई के मंथ में आया था वो, तो पता ही है आपको TRC कार्ड बनता नहीं है बिना लाइसेंस के, तो लाइसेंस तो बनने का मतलब नहीं होता जब तक उसने स्कूल ज्वाइन ना किया हो, उसके लिए TRC कार्ड चाहिए। तो वो पोलैंड मूव हो गया था, तो मैंने उससे बात की, परसों मेरी बात हुई थी उससे, तो मैंने पूछा कि वहाँ पे हालात कैसे हैं।
तो क्या वहाँ पे हल्का फुल्का फेस किया तूने कि नहीं? क्योंकि उसने आके नया नया जब आया था उसने फेस किया था इस चीज़ को, डिस्क्रिमिनेशन को उसने फेस किया था। तो कहता कि यहाँ पे मुझे लोकल लोग ज़्यादा दिखते हैं, कौन कौन से कंट्री के हैं पता ही नहीं लगता। जब मैंने वो डिलीवरी के लिए कर रहा है, साइकिल से डिलीवरी करता है पोलैंड में, तो मुझे बोलता है कि यहाँ पे तो लोकल हमारे जो लोग हैं देसी लोग दिखते ही नहीं है मेरे को, बहुत कम रेयर चांसेस है कभी दिख गए दिख गए। कहता नहीं तो माल्टा में तो हर मोड़ पे टकरते थे, कहता यहाँ पे तो है ही नहीं। और कहता कि इसलिए फिर हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता कि पता ही नहीं लगता कि कौन कौन कहाँ से। ज़्यादातर वहाँ पे कह रहा था मुझे कि यूक्रेन सर्बियन के लोग ज़्यादातर वहाँ पे डिलीवरी करते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपने माल्टा में रह के कभी फेस किया है डिस्क्रिमिनेशन को। तो अगर आप सोच रहे होगे कि हल्का फुल्का दोस्तों तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये तो है ही है, अब क्या क्या ही कर लोगे आप, ठीक है। अब इसका किसी ने अगर आपको कर भी दिया है आपका, उसका क्या उसका कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप, कोई प्रूफ भी नहीं होगा आपके पास। हाँ, अगर आपने वीडियो वगैरह बनाई है तो फिर आप जाके थाने में जाके कंप्लेंट कर सकते हो उसके अगेंस्ट में, ठीक है। नहीं तो अगर किसी ने किसी बोल दिया आपको, हे कुछ भी गलत तरीके से बोल दिया, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका, क्योंकि जब तक आपके पास कोई प्रूफ ही ना हो। तो अब जैसे वहाँ बस स्टॉप पे उन्होंने जो लिखा हुआ था, अब कौन लिख के गया है? कैमरा भी नहीं है, किसको आके पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे कमेंट करके बताना आपने डिलीवरी करते समय, काम करते समय कभी आपने इस चीज़ को फेस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।